नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे कल के क्वेश्चन पेपर का, जो कि हमने गूगल फॉर्म्स में रखा था, गूगल फॉर्म्स पर रखा था, उसका सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन। दोस्तों इस पेपर को हम केवल क्वेश्चन आंसर से ही सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि आपको नर्सिंग स्मार्ट हिंट्स के साथ में बहुत डेप्थ में बताएंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में दिक्कत आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए पेशेंट विद द इंक्रीड ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है दोस्तों, बढ़ा हुआ है, इज रिसीविंग मैनिटोल। सभी लोगों ने मैनिटोल का नाम सुना होगा। विच डेटा वुड कोज यू टू होल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस मेडिकेशन। इनमें से कौन सा डेटा जो है वो आपको बता रहा है कि आप मेडिसिन को होल्ड कर लीजिए, और उस मेडिसिन का नाम क्या है दोस्तों, मैनिटोल। अब हम ये चार जो डेटा हैं, ऑप्शंस में जो डेटा दिए गए हैं दोस्तों, हम उनको स्टडी करते हैं, रीड करते हैं और वन बाय वन पता लगाते हैं कौन सी मेडिसिन, कौन सी सिचुएशन में मैनिटोल जो है होल्ड विदहोल्ड की जा सकती है और कौन सी सिचुएशन में कंटिन्यू की जा सकती है। पहली कंडीशन है दोस्तों, द सीरम ऑस्मोलैलिटी लेवल इज 330 मिली ऑस्मल पर किलोग्राम। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है, क्या सीरम ऑस्मोलैलिटी, सीरम की नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी जो है वह आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने तो कितनी बता दी, 330 बता दी। सीरम की नॉर्मल जो ऑस्मोलैलिटी है, सीरम ऑस्मोलैलिटी ये कितनी होती है दोस्तों, नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है 275 से लेकर के 300 मिली ऑस्मल पर किलोग्राम। दोस्तों यूनिट देखिएगा, मिली ऑस्मल पर किलोग्राम, ये आपको कुछ जगहों पर 295 भी लिखी हुई मिल जाएगी। कोई बात नहीं दोस्तों, याद रखिएगा आप 275 से लेकर के 300 मिली ऑस्मल पर किलोग्राम जो है नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी है, किसकी, सीरम की। अब आप डेटा देखिए दोस्तों, डेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, डेटा में दोस्तों ये हायर साइड में है, ऑस्मोलैलिटी जो है दोस्तों बढ़ गई है। कितनी होनी चाहिए थी दोस्तों, 300 तक होनी चाहिए थी और ये बढ़ करके 330 हो गई है। अगर ऑस्मोलैलिटी मोर देन 310 हो दोस्तों, तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स को बंद कर देना चाहिए दोस्तों। अब ऑस्मोटिक डायरेटिक का नाम आया, ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक, ये कौन होती हैं दोस्तों, मैनिटोल जो है इस ड्रग का एक बड़ा एग्जाम्पल है ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक का। आई होप सभी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों कौन, मैनिटोल ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक का। ये सीरम ऑस्मोलैलिटी को चेंज करती हैं, अफेक्ट करती हैं। नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैलिटी जो है दोस्तों 275 से 300 मिली ऑस्मल पर किलोग्राम होनी चाहिए, 310 से ज़्यादा जाती है तो ड्रग को क्या कर देना चाहिए, विदहोल्ड कर देना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, वैसे ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे अदर ऑप्शंस को भी कि अदर ऑप्शंस में क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों यूरिन ऑस्मोलैलिटी इज 550 मिली ऑस्मल पर किलोग्राम। दोस्तों यूरिन की जो ऑस्मोलैलिटी है वो नॉर्मल क्या है, यूरिन की नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी क्या है दोस्तों, वो है 252-900 मिली ऑस्मल पर किलोग्राम। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑस्मोलैलिटी है वो क्या नॉर्मल है, क्या, यस नॉर्मल है, विद इन नॉर्मल रेंज है, 250 से 900 के बीच में नॉर्मल है, तो ये तो नॉर्मल है दोस्तों। हालांकि यूरिन की ऑस्मोलैलिटी
कभी भी मैनीटोल से अफेक्ट होती ही नहीं है दोस्तों, ये दूसरी बात है, ठीक है ना। इसलिए अगर ये बाहर होती तो भी हम मैनीटोल को बंद नहीं करते, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनीटोल से अफेक्ट ही नहीं होती है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इज 8 mg/dL। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल BUN, सीरम BUN का लेवल कितना होता है। ये होता है दोस्तों 8 से लेकर के 21 mg/dL। तो दोस्तों नॉर्मल है क्या ये? जी नॉर्मल है, यहाँ पर जो डेटा दिया है वो नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऊपर से एक चीज़ और बता दूँ, मैनीटोल BUN को भी अफेक्ट नहीं करती, लेकिन कभी भी अगर ये से रेंज से बाहर होता तो भी मैनीटोल की वजह से नहीं था। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, द क्रिएट सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज 1.8 mg/dL। सीरम क्रिएटिनिन का लेवल जो है नॉर्मल कितना होना चाहिए दोस्तों? 0.5 to 1.5 mg/dL। अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा हुआ मिल जाएंगे दोस्तों आप, थोड़ा सा बाहर की रेंज में दोस्तों, हायर साइड में है। सीरम क्रिएटिनिन का लेवल जो है दोस्तों थोड़ा सा हायर साइड में है, लेकिन आपको वापस बता दूं, सीरम क्रिएटिनिन लेवल को मैनीटोल जो है कभी भी अफेक्ट करता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों ना तो सीरम क्रिएटिनिन पर अफेक्ट होता है इसका, ना ही ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पर, हालांकि विद इन नॉर्मल रेंज है, ना ही यूरिन की ऑस्मोलैलिटी पर, हालांकि ये भी विद इन नॉर्मल रेंज है, लेकिन सीरम ऑस्मोलैलिटी को ये बदलता है और ये विद इन नॉर्मल रेंज नहीं है। इसका मतलब मैनीटोल को विदहोल्ड कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों एक इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं, छोटा छोटा कलेक्ट करते चलोगे तो कल को जाकर के बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। दोस्तों जितने बच्चे मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, मैंने उनको सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला बता रखा है, क्योंकि कल आज या कल या परसों में आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा आपके पास में। जल्दबाजी करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द पेशेंट विद ए हेड इंजुरी इज एक्सपीरियंसिंग इनक्रीड ICP। हेड इंजुरी के पेशेंट में ICP क्या हो गया दोस्तों? बढ़ गया है। द न्यूरोसर्जन प्रेस्क्राइब्स मैनीटोल। दोस्तों अब एक चीज़ तो दिमाग में रख लेना, जितने लोगों ने भी न्यूरोसर्जरी में काम किया है या थोड़ा सा ठीक से पढ़ा है आज तक, तो उनको पता होना चाहिए कि मैनीटोल जो है न्यूरोसर्जरी में, हेड इंजरी के पेशेंट में, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स में दी जाती है। किस लिए? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए, या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। विच इंटरवेंशन शुड यू इम्प्लीमेंट वेन एडमिनिस्ट्रिंग दिस मेडिकेशन? क्या करना है दोस्तों जब आप ये मेडिसिन दे रहे हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, मॉनिटर द पेशेंट्स ABGs ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों क्या दिया जा रहा है पेशेंट को? मैनीटोल दिया जा रहा है। मैनीटोल क्या है दोस्तों? एक ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक है, एक ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक है। क्लियर है दोस्तों। किस लिए दिया जाता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो इंक्रीज हो गया है उसको रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। आई होप क्लियर है इतनी चीज़ें आपको। अब क्या ये जब मेडिसिन दी जा रही है तो पेशेंट का ABG मॉनिटर करना चाहिए क्या? मैनीटोल और ABG का दूर दूर तक किसी भी रिश्तेदारी में कोई संबंध है ही नहीं दोस्तों, ठीक है ना, कोई संबंध नहीं है दोस्तों। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो हैं वो ABGs को अफेक्ट ही नहीं करते, तो भूल जाइए दोस्तों, ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, डू नॉट एडमिनिस्टर इफ द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज लेस देन 90/60 mmHg। दोस्तों क्या पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मैनीटोल अफेक्ट करता है क्या? दोस्तों डायूरेटिक है, डायूरेटिक्स तो सारे के सारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है दोस्तों ये,
ऑस्मोटिक डायरेटिक दोस्तों, जो ब्रेन में सेरिब्रल एडिमा हो गया, ब्रेन में एडिमा हो गया है दोस्तों, जिसे हम सेरिब्रल एडिमा कहते हैं, उसको रिड्यूस करता है। तो दोस्तों इफेक्टिवली ये ब्लड प्रेशर को कम नहीं करता, वहाँ से एडिमा रिड्यूस करके कार्डियक लोड ज़रूर बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को ये कम नहीं करता, तो ब्लड प्रेशर भी अफेक्ट नहीं होता है दोस्तों इससे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, एनश्योर दैट द पेशेंट कार्डियक स्टेटस इज मोनिटर्ड बाय टेलीमेट्री। अब दोस्तों इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखनी है कि मैनिटोल जो है पेशेंट के कार्डियक स्टेटस को अफेक्ट नहीं करती, पेशेंट वैसे भी ऑलरेडी आईसीयू के अंदर है, उसकी टेलीमेट्री हो रही है दोस्तों, ठीक है ना, टेलीमेट्री उसकी मॉनिटर हो रही है, लेकिन कार्डियक स्टेटस को वो अफेक्ट ही नहीं करती। कौन दोस्तों? मैनिटोल जो है उसका हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है दोस्तों, इफेक्टिवली कार्डियक लोड को ज़रूर बढ़ा सकती है लेकिन कार्डियक स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं है। कार्डियक लोड किन में बढ़ाएगी दोस्तों, अब ये भी ध्यान, कार्डियक लोड क्या, कार्डियक ओवरलोड किन में बढ़ाएगी दोस्तों, जो कि कार्डियक पेशेंट्स हैं, सीएचएफ का पेशेंट हो, कोई हार्ट फेल्योर का पेशेंट हो दोस्तों, उनमें ये कार्डियक स्टेटस मॉनिटर करना ज़रूरी है, कंडीशन हमें कोई दे ही नहीं रखी पेशेंट की अभी, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों इसका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन इज यूज ए फिल्टर नीडल वेन एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन। अब दोस्तों बड़ी चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, वेरिएबल टेम्परेचर्स पर या फिर लो टेम्परेचर्स पर, आपने सब ने देखा होगा जिसने भी न्यूरोसर्जरी में काम किया है, मैनिटोल जब देते रहते हैं दोस्तों तो आईवी सेट पे वाइटिस क्रिस्टल्स जम जाते हैं दोस्तों, क्रिस्टल्स, दानेदार क्रिस्टल्स, और ये क्रिस्टल्स दोस्तों किसके हैं, ये मैनिटोल के ही हैं। क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर और वेरिएबल टेम्परेचर्स पे इसका जो सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। अब दोस्तों क्रिस्टल जो है वो निडल में, जो आपने आईवी केनुला लगा रखा है, ठीक है, उसके थ्रू अंदर भी जा सकता है दोस्तों। इसका मतलब अगर आपने पेशेंट में फिल्टर नहीं लगा रखा दोस्तों, इंडिया में तो चीज़ें यूज नहीं होती दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन पूछने में किसी को कोई शर्म नहीं है, 1% कोई भी झिझक नहीं है, तो इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूज ए फिल्टर नीडल वेन एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन, मेडिकेशन देते समय फिल्टर नीडल का यूज किया जाना चाहिए, फिल्टर लगा होना चाहिए ताकि जो क्रिस्टल्स हैं पेशेंट के सर्कुलेशन में नहीं चले जाएं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पेशेंट्स हैव ए हेड इंजुरी, विच पेशेंट शुड यू क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन मैनिटोल। दोस्तों ये सेलेक्ट ऑल अप्लाई वाला क्वेश्चन था, मैंने इसको शॉर्ट करके एमसीक्यू में बदल दिया है, इसका जो रिमाइंडर ऑप्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड ही है, तो देखते हैं। द 34 ईयर ओल्ड पेशेंट हु इज एचआईवी पॉजिटिव। देखो दोस्तों पेशेंट को क्या है, हेड इंजुरी है। अब इनमें से कौन से पेशेंट को, चार कंडीशन दे दी यहाँ पर, इनमें से कौन से पेशेंट को आप मैनिटोल नहीं दे सकते दोस्तों? तो दोस्तों पहला पेशेंट एचआईवी का पेशेंट है, ऊपर से क्या हो गई दोस्तों, हेड इंजुरी हो गई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी हो गई दोस्तों। अब इसमें क्या मैनिटोल दी जा सकती है क्या? विच पेशेंट शुड यू क्वेश्चन, आपके कौन से पेशेंट में बताओगे कि इसको मैनिटोल आप नहीं दे सकते दोस्तों? एचआईवी का मैनिटोल से कोई इंटरफ्रेंस नहीं है दोस्तों, यानी कि एचआईवी के पेशेंट्स में ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स जो हैं वो इजीली दी जा सकती हैं, ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स, कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है इनका, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन तो नहीं होगा इस पेशेंट में, तो आप क्वेश्चन नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 84 ईयर ओल्ड पेशेंट हु हैज ग्लोकोमा। दोस्तों ठीक एचआईवी की तरह से ही ग्लोकोमा में भी ऑस्मोटिक डायुरेटिक ड्रग्स का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, इसको भी क्वेश्चन नहीं करोगे, दे सकते हो आप ऑस्मोटिक डायुरेटिक। थर्ड ऑप्शन है 16 ईयर ओल्ड पेशेंट हु हैज सिस्टिक फिब्रोसिस। दोस्तों सिस्टिक फिब्रोसिस में भी
ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन फोर, 58 ईयर ओल्ड पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। मैंने दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस किया ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स क्या काम करते हैं सेरिब्रल एडिमा में, क्या करेंगे दोस्तों वहाँ की एडिमा को रिड्यूस करेंगे, वहाँ से वाटर जो फ्लूड है जो पुल ऑफ करेंगे, वहाँ से वाटर जो पुल ऑफ हुआ वो कहाँ पर आएगा दोस्तों, सर्कुलेशन में आएगा, सबको पता है सर्कुलेशन में आएगा। तो दोस्तों सर्कुलेशन तो हार्ट से होता हुआ जाएगा, हार्ट में आया तो मतलब कि ओवरलोड हो गया हार्ट, मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो ना, हार्ट ओवरलोड होगा, ऑलरेडी हार्ट तो फेल है जी पेशेंट का, ऑलरेडी कंजेस्टिव हार्ट का फेलियर का पेशेंट है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा, जैसे ही सेरिब्रल एडिमा कम होगा, एडिमा का जो फ्लूइड है वो सर्कुलेशन में आके हार्ट के थ्रू हार्ट को ही ओवरलोड करेगा, हार्ट को ओवरलोड हुआ तो क्या हुआ, कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी पेशेंट की। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में हमें क्या देना पड़ेगा दोस्तों, लूप डायूरेटिक्स भी देना पड़ेगा। किस लिए देते हैं, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए। इसलिए इस पेशेंट में आप क्वेश्चन करोगे कि साहब इसमें मेनिटोल नहीं देनी है तो साथ में लूप डायूरेटिक्स भी देने हैं। क्यों, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, कोर पल्मोनरी के पेशेंट में सर्कुलेटरी ओवरलोड कर देगा, जिसकी वजह से कार्डिक स्टेटस जो है पेशेंट का और ज़्यादा वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट हैज एन ओपन लेसिरेशन ऑन द राइट टेम्पोरल लोब सेकेंडरी टू बीइंग हिट ऑन द हेड विद द बेसबॉल बैट। दोस्तों बेसबॉल बैट से हिट होने की वजह से राइट टेम्पोरल लोब पर लेसिरेटेड वुंड आ गया दोस्तों, ठीक है, CLW का नाम क्लीन लेसिरेटेड वुंड, CLW, ठीक है, स्टिच लगाते हैं दोस्तों, क्लीन वुंड होता है दोस्तों, ठीक। इमरजेंसी डॉक्टर सुचर्स द लेसिरेशन एंड द सीटी स्कैन इज नेगेटिव, विच इंस्ट्रक्शन शुड यू डिस्कस विद द पेशेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं कि पेशेंट को आपने क्या कर दिया है, सूचर कर दिया है, और अब आप इसको क्या डिस्कस करोगे, क्या इंस्ट्रक्शन दोगे पेशेंट को। डू नॉट पुट एनीथिंग ऑन द लेसिरेशन फॉर 72 आवर्स। अच्छी बात है क्या दोस्तों, गलत बात, पेशेंट को इस वुंड पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अप्लाई करने की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट कैसे दोस्तों, जैसे बीटाडीन हो गया एंटीबैक्टीरियल, बीटाडीन वैसे मैं लिखता नहीं हूँ दोस्तों, पोविडोन आयोडीन, ठीक है, या फिर नियोस्पोरिन का ऑइंटमेंट जो आता है दोस्तों, नियोस्पोरिन, ये पेशेंट को अप्लाई करने चाहिए। कहाँ पर, अपने वुंड पर, लेसिरेशन पर जो स्टिच किया गया है, ठीक, ये तो ठीक नहीं बोला दोस्तों, गलत बोला। दूसरा ऑप्शन है यूज हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम 0.5% ऑन द लेसिरेशन। दोस्तों आपको पता होगा हाइड्रोकोर्टिसोन क्या होता है, एक तरीके का कोर्टिकोस्टीरोइड है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, फंगल इन्फेक्शन में फिर भी लगाते हैं दोस्तों, हम फंगल इन्फेक्शन में लगाते हैं, कभी भी वुंड वगैरह पे तो कभी भी नहीं लगाते, इसलिए ऑप्शन एकदम गलत है। तीसरा ऑप्शन है क्लींस द एरिया विद एल्कोहल 3 times a day। क्या वुंड को, लेसिरेटेड वुंड को कभी एल्कोहल से क्लीन करते हैं क्या, करते हैं क्या दोस्तों स्प्रिट से क्लीन, क्या हो जाएगा, बर्न करेगा, बर्न का मतलब ऐसे स्किन बर्न नहीं, हमें बर्निंग पेन होगा दोस्तों, बड़ा ही ज़्यादा पेनफुल होता है, इसलिए स्प्रिट यूज नहीं करते दोस्तों, नेवर। सराउंडिंग ज़रूर क्लीन कर सकते हैं हम उसकी, लेसिरेशन पर नहीं लगा सकते। अप्लाई ए टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट टू द सुचर्ड एरिया, करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। ये चीज़ें दोस्तों पढ़ने से समझ में आती हैं, आप पढ़ोगे तब चीज़ें रिवाइज होंगी, और दोस्तों मैं कुछ ज़्यादा वैसे भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास जितनी क्वेरीज आ रही हैं सर कितने दिन में पढ़ा दोगे, आप लोगों को पता है, जिनकी जितनी सामर्थ्य है दोस्तों पढ़ लीजिए आप अपने अपने लेवल पर, लेकिन थोड़े थोड़े हम भी अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, और आप इतने
पढ़ते चले जाओगे दोस्तों कंपटीशन जनरेट हो जाएगा, कम से कम आपकी तो नैया पार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन शुड यू बीइंग पोस्टेड इन इमरजेंसी रूम डिस्कस विद द पेशेंट हु हैज सस्टेंड ए कंक्यूशन। सिंपल मीनिंग दोस्तों कंक्यूजन कंक्यूशन ये दोस्तों टेम्पररी ब्रेन डैमेज है, टेम्पररी ब्रेन डैमेज। कैसे दोस्तों किसी हेड इंजरी के बाद में, किसी हेड इंजरी के बाद में, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद में क्या है दोस्तों कंक्यूशन। आप ये TBI समझ लीजिए दोस्तों, इसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी टेम्पररी ब्रेन डैमेज। ठीक, अब आपको कौन से डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन जो है पेशेंट को देने हैं। ऑप्शन दोस्तों दो, एक ऑप्शन से ज़्यादा वाला क्वेश्चन था दोस्तों ये, लेकिन हमने चार ऑप्शंस रखे हैं इसके, डिस्कस करेंगे लेकिन और भी चीज़ें हम। यू कैन ड्रिंक एनी टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेज अंटिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड बाय द डॉक्टर। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी का जो पेशेंट है, हेड इंजरी का जो पेशेंट है, उनमें ब्रेन फंक्शन नॉर्मल है क्या, ब्रेन फंक्शन नॉर्मल है क्या, ऑलरेडी इम्पेयर्ड है, ऑलरेडी दोस्तों इम्पेयर्ड है ब्रेन फंक्शन। ठीक है, पेशेंट को दारू पिला दी, बड़ा अजीब सा लग रहा है ना दोस्तों दारू बोलना, अल्कोहल बोल लेते हैं दोनों सोबर सा, अल्कोहल पिला दी, अल्कोहल पेशेंट ले रहा है, और ज़्यादा ब्रेन फंक्शन जो है दोस्तों डिप्रेस होगा तो और ज़्यादा वर्सन होगी कंडीशन, असेस नहीं कर पाएंगे पेशेंट को, कभी एडवाइस नहीं करना। टेक टू एसिटामिनोफेन अप टू एवरी 6 hours फॉर हेडेक। पेशेंट को हेडेक के लिए एसिटामिनोफेन दे सकते हैं क्या। अब दोस्तों एसिटामिनोफेन को तो छोड़िए आप, एक बार एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए, और वो चीज़ क्या है दोस्तों दिमाग में रखने वाली, किसी भी पेशेंट में, हेड इंजरी के पेशेंट में या ट्रॉमेटिक इंजरी के ब्रेन इंजरी के पेशेंट में, हेड इंजरी के पेशेंट में एक ही बात है, कभी भी नारकोटिक एनाल्जेसिक नहीं देते, नारकोटिक एनाल्जेसिक नहीं देते, प्रोहिबिटेड कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एसिटामिनोफेन जो है दोस्तों नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक है, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक है जी, दे सकते हैं पेशेंट को। टेम्परेरी ब्रेन डैमेज के पेशेंट में कभी भी नारकोटिक एनाल्जेसिक देनी ही नहीं है। हाँ, अगर अभी भी पेशेंट को हेडेक से रिलीव नहीं मिल रहा, इट्स शुड बी नोटिफाइड टू द डॉक्टर, अदरवाइज इट्स ओके। नेक्स्ट ऑप्शन इज इफ एक्सपीरियंसिंग ए हेडेक टेक 1 hydrocodone एवरी 8 hours। हाइड्रोकोडोन पढ़ेंगे दोस्तों, वही बात हो गई, क्या चीज़ है, नारकोटिक एनाल्जेसिक है तो देनी है क्या, कभी नहीं देनी। इट इज ऑल राइट टू टेक कपल ऑफ एस्पिरिन इफ एक्सपीरियंसिंग हेडेक। हेडेक में ले सकते हैं क्या दोस्तों एस्पिरिन, नॉर्मल में हम लेते हैं, लेकिन इस पेशेंट की बात हो रही है, किसकी दोस्तों, हेड इंजरी के पेशेंट की अगर बात हो रही है तो एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है दोस्तों, एंटी प्लेटलेट है, इतना तो पता है ही, एंटी प्लेटलेट है और हेड इंजरी का पेशेंट है, इंक्रीज चांसेज ऑफ ब्लीडिंग हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए नहीं देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट विद अ हेड इंजरी इज ऑर्डर्ड अ सिटी स्कैन ऑफ द हेड विद कॉन्ट्रास्ट डाई। हेड इंजरी के पेशेंट को सिटी स्कैन एडवाइस कर दिया, किसकी सिटी स्कैन, हेड की सिटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट डाई के साथ में। विच स्टेटमेंट्स बाय द पेशेंट वॉरंट इमीडिएट इंटरवेंशन। पेशेंट की कौन सी चीज़ के बाद में आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे दोस्तों, तुरंत का तुरंत इंटरवेंशन चाहिए। पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, आई टेक एटिनोलोल फॉर माई हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों एटिनोलोल क्या चीज़ है, ओलोल सिखाया है दोस्तों मैंने आपको, तो एटिनोलोल क्या चीज़ है दोस्तों, वह पहली बात तो एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, क्लियर है। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है दोस्तों, ओलोल। ओलोल किस में आते हैं दोस्तों, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं दोस्तों, बीटा ब्लॉकर्स,
ठीक है, याद है दोस्तों आपको चीज़ें। अब बीटा ब्लॉकर का कोई इश्यू, अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, पेशेंट की सीटी स्कैन में कॉन्ट्रास्ट डाई दी जाएगी पेशेंट को। कॉन्ट्रास्ट डाई में कंटेंट क्या होता है दोस्तों, याद रखना हमेशा, कॉन्ट्रास्ट डाई के अंदर होता क्या है, आयोडीन बेस्ड होती हैं हमेशा ये। काफ़ी लोगों को आयोडीन से एलर्जी होती है, तो हमें यही देखना है कि एलर्जिक आयोडीन का किसी इन ड्रग्स के साथ में या इस सिचुएशन के साथ में कोई इंटरफ्रेंस है क्या। एटिनोलोल का डाई के यानी कि आयोडीन के साथ में कोई इंटरफेयर नहीं है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, इस पेशेंट में कुछ भी नहीं कहेंगे, मतलब इस पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट डाई के साथ में सीटी स्कैन कराने में कोई इश्यू नहीं है। तो ये ऑप्शन में तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई एम एलर्जिक टू मैनी टाइप्स ऑफ द फिश, मैनी टाइप्स ऑफ द फिश दोस्तों, फिश में जो शेल फिश होती है, अब दोस्तों पेशेंट ने तो नहीं बताया शेल फिश का नाम, शेल फिश से जिससे एलर्जी है दोस्तों वो एलर्जिक टू आयोडीन भी है, समझ लीजिएगा। इसने मैनी टाइप्स ऑफ द फिश बोला है, इसलिए कंसिडर कर लीजिए कि शेल फिश भी उसमें से एक होगी। शेल फिश से एलर्जी है तो एलर्जिक टू आयोडीन भी है दोस्तों, इसलिए इस पेशेंट में कॉन्ट्रास्ट डाई के साथ में सीटी स्कैन नहीं की जा सकती फिलहाल, और कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देखना पड़ेगा, ये नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट है, समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। आई गेट नोजेटेड व्हेनेवर आई टेक एस्पिरिन, एस्पिरिन से नोजिया होना दोस्तों अपना अलग मुद्दा हो सकता है उसका, ठीक है ना, लेकिन एस्पिरिन का आयोडीन के साथ में कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आयोडीन के साथ में एस्पिरिन का कोई लफड़ा नहीं है दोस्तों, तो कोई इश्यू नहीं है। ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। आई हैड अबाउट 3 beers बिफोर आई फेल एंड हिट माई हेड, अभी पेशेंट हेड इंजरी से आया है, उसके पहले 3 बोतल बियर पी रखी थी पेशेंट ने, तो क्या पेशेंट की सीटी स्कैन की जा सकती है, जी की जा सकती है दोस्तों, की जा सकती है पेशेंट की सीटी स्कैन में, कोई ऑप्शन गलत हो गया ना, कि भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स इंटरवेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि अल्कोहल जो है वो आयोडीन को अफेक्ट नहीं करता, इसका भी कोई लफड़ा नहीं आयोडीन के साथ में, आयोडीन के साथ में किसका लफड़ा है दोस्तों, ये फिश यानी शेल फिश, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कौन सी, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन का नाम आते ही समझ गए दोस्तों किस में लेते हैं दोस्तों, डायबिटीज़ में लेते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग है दोस्तों मेटफॉर्मिन, डायबिटीज़, इसका मतलब पेशेंट की किडनीज जो हैं वो उस फंक्शंस में नहीं है जितनी नॉर्मली में होना चाहिए, डायबिटिक का पेशेंट है दोस्तों, डायबिटीज़ का पेशेंट है, किडनीज को ही दोस्तों इन्हें क्लियर करना पड़ता है मेटफॉर्मिन को अपनी बॉडी से, डाई भी कौन निकालेंगी दोस्तों, किडनीज निकालेंगी, ठीक है, इसका मतलब किडनीज पर ओवरलोड आ जाएगा, मेटफॉर्मिन बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक रह जाएगी, किडनी किसको निकाले, किडनीज जो हैं वो एफिशिएंट इनफ नहीं है कि वो मेटफॉर्मिन को बाहर निकाल सकें, डाई को बाहर निकाल सकें, रिमूव कर सकें, इसलिए कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करने से पहले क्या करेंगे, मेटफॉर्मिन को विदहोल्ड कर देते हैं, कितनी देर पहले, 2 दिन पहले और आगे 2 दिन तक, 48 घंटे पहले मेटफॉर्मिन को विदहोल्ड कर देना चाहिए, ये भी चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू द फॉलोइंग पेशेंट्स, विच मेडिकेशन शुड यू क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रिंग, अब देखिए दोस्तों किसी पेशेंट को आप अलग अलग मेडिसिन देने की तैयारी कर रहे हो, और कौन सी मेडिकेशन जो है आपको देने से पहले क्वेश्चन करना चाहिए। US में दोस्तों, इंडिया में तो जो लिख दिया आपने ध्यान नहीं दे दिया, चल गया, US में आप रिस्पॉन्सिबल हैं दोस्तों, ड्रग्स का पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग डॉक्टर ने गलत लिख दी या कौन सी ड्रग वैल्यूज के हिसाब से ड्रग जो है गलत जा रही है, आप उसको करेक्शन करवाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, फ्यूरोसीमाइड टू ए पेशेंट विद सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ 4.2 mEq/L, पहले देखिए दोस्तों सीरम पोटेशियम लेवल नॉर्मल में कितना होता है, 3.5 to 4.5 mEq/L दोस्तों, नॉर्मल वैल्यूज याद रखते जाइएगा, ठीक है दोस्तों, 5.5 भी आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों, लेकिन US स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम इसको 3.5 to 4.5 mEq/L ही ध्यान में रखना है, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल।
विद इन नॉर्मल रेंज है क्या? जी नॉर्मल रेंज है, इसलिए इसको तो क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं होता। मैनी टोल्ड टू ए पेशेंट विद ए सीरम ओस्मोलिटी ऑफ 280 मिलीओस्मोल पर किलोग्राम, मेनिटोल अफेक्ट करता है क्या सीरम ओस्मोलिटी को, जैसे फिरोसिमाइड करता है दोस्तों पोटेशियम को, यस करता है। तो सीरम ओस्मोलिटी को मेनिटोल अफेक्ट करता है क्या? जी करता है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? अभी पढ़ाता 275 से 300 तक होना चाहिए। विद इन नॉर्मल रेंज है, यस है, कोई क्वेश्चन नहीं दोस्तों इसके ऊपर। डिजोक्सिन टू ए पेशेंट विद ए डिजोक्सिन लेवल ऑफ 2.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस डिजोक्सिन के ऊपर, केवल इस डिजोक्सिन के ऊपर मेरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा दोस्तों, नर्सिंग स्मार्ट का डिटेल्ड वीडियो मिलेगा, आप उसको देखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़िएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको डिजोक्सिन के बारे में बता देता हूँ, चूँकि यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है इसके नॉर्मल लेवल को लेकर के, तो तीन चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है डिजोक्सिन को लेकर के। क्या इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है? 0.5 से लेकर के 0.8 नैनोग्राम पर ml। जिस किसी पेशेंट में डिजोक्सिन चल रही होती है तो उसमें थेरापेटिक लेवल जो है वो अलग हो जाता है, वो कितना होना चाहिए दोस्तों? 0.5 टू 2.0 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए, क्लियर है। और अब अगर इसका लेवल टॉक्सिक हो रहा है, टॉक्सिक लेवल किसको बोलेंगे? मोर देन 2.0 नैनोग्राम पर ml के लेवल को टॉक्सिक बोलते हैं। अब देख लीजिए, ऐसा पेशेंट जिसमें डिजोक्सिन का लेवल ऑलरेडी 2.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, उसमें क्या डिजोक्सिन देंगे क्या? नहीं देंगे दोस्तों। तो ऑप्शन यही करेक्ट हो गया, इसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए। एक और देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन, फेनिटोइन टू ए पेशेंट विद ए फेनिटोइन लेवल ऑफ 14 माइक्रोग्राम पर ml। दोस्तों फेनिटोइन सोडियम एंटी कन्वर्जेंट है, सभी को पता है, तो आपको फेनिटोइन लेवल भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल थेरापेटिक सीरम फेनिटोइन लेवल जो है, फेनिटोइन लेवल जो है वो कितना होना चाहिए? 10 टू 20 माइक्रोग्राम पर ml। विद इन रेंज है क्या? जी विद इन रेंज है। क्वेश्चन करोगे? नहीं करेंगे दोस्तों। ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट विद द हेड इंजरी इज एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट, विच डॉक्टर मेडिकेशन ऑर्डर शुड यू क्वेश्चन बीइंग पोस्टेड इन आईसीयू, कौन सी ड्रग को आप क्वेश्चन करोगे दोस्तों? यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरफिन क्या है? नारकोटिक एनाल्जेसिक है, डिस्कस किया दोस्तों हमने। पेशेंट किसका? हेड इंजरी का। नारकोटिक एनाल्जेसिक देते हैं क्या? नहीं देते दोस्तों। तो इस मेडिकेशन को क्वेश्चन किया जाना चाहिए, आप क्वेश्चन करोगे? जी करेंगे, ऑप्शन करेक्ट। और देखिए दोस्तों आप, मेनिटोल, मेनिटोल क्या है दोस्तों? ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। किस में देते हैं? हेड इंजरी के केसेज में देते हैं दोस्तों, हेड इंजरी के केसेज में ये ड्रग ऑफ च्वाइस है दोस्तों, ये मेडिकेशन ऑफ च्वाइस है, ट्रीटमेंट ऑफ च्वाइस है, इसलिए तो देते देते इसको क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं होता दोस्तों। फेनिटोइन सोडियम, दोस्तों फेनिटोइन सोडियम अभी बताया मैंने, एंटी कन्वलजेंट ड्रग है, एंटी कन्वलजेंट मतलब सीजर्स डिसऑर्डर्स में देते हैं। सीजर्स डिसऑर्डर्स का हेड इंजरी से कोई रिलेशन है क्या? जी सीधा सीधा रिलेशन है दोस्तों, हेड इंजरी के पेशेंट्स में सीजर्स का आना बहुत कॉमन है, इसलिए फेनिटोइन सोडियम भी देते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो बेचारी को यूं ही बदनाम कर रखा है भाई, बिना मतलब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और ऑक्सीजन पे जब आते हैं, असली बात पर आते हैं, तो ऑक्सीजन को क्या क्वेश्चन करना दोस्तों? हेड इंजरी के केसेज में रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो सकता है पेशेंट का, जो कि ब्रेन के अंदर है, तो ऑक्सीजन को तो क्वेश्चन करने का कोई सवाल ही नहीं होता। एक ऑप्शन और था दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन में, और वो क्या था? मिथाइल प्रेडनिसोलोन, जिसको बहुत खाया है इंडिया की पब्लिक ने, स्पेशली किस समय में? कोविड टाइम्स में। याद रखिएगा दोस्तों, इन पेशेंट्स में एंटी इन्फ्लामेटरी है दोस्तों,
हेड इंजरी के पेशेंट्स में कॉमनली नहीं दी जाती, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है स्टीरॉयड्स, कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट विद इंक्रीड आईसीपी इज रिसीविंग मेनिटोल। सही है जी, देंगे इंक्रीड आईसीपी में। विच इंटरवेंशन शुड यू इम्प्लीमेंट टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन। इनमें से कौन सी इंटरवेंशन जो हैं वो आप इम्प्लीमेंट करोगे किसके लिए, ताकि आपको ये पता लगे कि मेडिसिन काम कर रही, इफेक्टिव है। कौन सी मेडिसिन दोस्तों? मेनिटोल। ठीक है, देख लेते हैं। मॉनिटर द पेशेंट्स वाइटल साइंस। वाइटल साइंस मॉनिटर करोगे क्या दोस्तों हेड इंजरी के केसेज में? जी करेंगे। लेकिन क्या वाइटल साइंस का मॉनिटर करना और वाइटल साइंस का नॉर्मल लिमिट्स आना क्या मेनिटोल को ग्रीन सिग्नल दे देगा क्या कि एक सही से काम कर रही है? नो जी, नेवर। मेनिटोल का काम हम जानते हैं, पहचानेंगे किससे पता हमें लगेगा। मेंटेन स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट, ये बेस्ट इंडिकेटर नहीं है दोस्तों। स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट यस करेंगे जी दोस्तों, स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट दोस्तों मेनिटोल देते समय में कि कितना इनटेक आ रहा है जा रहा है पेशेंट को और कितना आउटपुट आ रहा है पेशेंट का। लेकिन दोस्तों ये पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल ही बता रहा है हमें, मेनिटोल की इफेक्टिवनेस तो कतई नहीं बता रहा। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। असेस द पेशेंट्स न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, यस। मेनिटोल अगर काम करेगी तो आईसीपी घटेगा, मेनिटोल काम करेगी तो सेरिब्रल एडिमा जो है वो क्या होगा दोस्तों? कम होगा। सेरिब्रल एडिमा कम होगा तो आईसीपी भी कम होगा, आईसीपी कम होगा तो पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होगा दोस्तों, वो इम्प्रूव होगा और यही बताएगा हमें कि मेनिटोल काम कर रही है वाकई में। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। चेक द पेशेंट सीरम ऑस्मोलैलिटी लेवल। जी देखते हैं दोस्तों हम पेशेंट का सीरम ऑस्मोलैलिटी लेवल, लेकिन ये नहीं बताता कि मेनिटोल ठीक से काम कर रही। यही होता है दोस्तों क्वेश्चंस का घुमाव। मेनिटोल देते हैं तो पेशेंट का सीरम ऑस्मोलैलिटी लेवल देखते हैं ना? यस देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि विद इन मतलब नॉर्मल रेंज से बाहर जा सकता है, नॉर्मल रेंज जो 275 से लेकर के 300 तक की है, इसलिए हम देखते हैं। लेकिन क्या ये विद इन नॉर्मल रेंज होना मेनिटोल का इफेक्टिवनेस थोड़ी ना बता रही? नो, इफेक्टिवनेस तो दोस्तों हमारे तब पता लगेगा जब न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है उसका इम्प्रूव हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो है उसका इम्प्रूव हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट हैज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जी हेड इंजरी का पेशेंट होगा। द डॉक्टर ऑर्डर्स ए बोलस ऑफ 0.5 ग्राम पर किलोग्राम आईवी ऑफ 25% ऑस्मोटिक डायरेटिक सॉल्यूशंस। द पेशेंट वेज 75 pounds नहीं है दोस्तों, ये दिस इज 75 kilograms। करेक्शन नहीं किया दोस्तों मैंने, ये किलोग्राम, सॉरी मैंने क्वेश्चन में ये रखा हुआ था और इसके हिसाब से अगर किसी ने गलत कर दिया तो आई एम रियली सॉरी। तो 75 kilograms का कोई पेशेंट है। हाउ मच मेडिकेशन शुड यू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट। पेशेंट को कितनी ड्रग दी जानी चाहिए दोस्तों? ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसके अंदर 165 pounds लिखा हुआ है दोस्तों। हम पाउंड्स देखो, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रेस्क्रिप्शन है वो ग्राम पर किलोग्राम में है, तो आप पेशेंट के पाउंड को, वेट को आप किलोग्राम में चेंज करेंगे। 165 को 0.454 चेक कीजिएगा दोस्तों, तो ये अबाउट 75 किलोग्राम के करीब ही आएगा वेट पेशेंट का। पहली चीज़ अब देखो पेशेंट को ऑर्डर क्या कर रखा है, यहाँ पर देखिएगा 0.5 ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है ना, आईवी ऑफ 25% ऑस्मोटिक डायरेटिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक डायरेटिक क्या है दोस्तों? मेनिटोल। मेनिटोल देना है दोस्तों पेशेंट को। क्या बोला कि हर एक किलोग्राम पेशेंट के वेट के हिसाब से 0.5 ग्राम दे दीजिए, मतलब कि 0.5 ग्राम किसके लिए दोस्तों? एक किलोग्राम के लिए। इसका मतलब कितना ग्राम देंगे? अब देखो पूछना है ना, हाउ मच मेडिकेशन, कितना ग्राम देंगे किसके लिए जी? 75 किलोग्राम के लिए। बना लिया दोस्तों इक्वेशन आप लोगों ने? आई होप समझ में आ रही है आप लोगों को चीज़ें। क्वेश्चन में हमें बता रखा है 0.5 देंगे किसके लिए? 1 किलोग्राम बॉडी वेट के लिए। तो कितना देंगे ऐसे लिखना है दोस्तों, पहले ड्रग लिखी फिर पेशेंट का वेट लिखा हमने। यहाँ पर भी ड्रग लिखते हैं, हमें नहीं पता तो एक्स लिख दिया हमने इसको, पेशेंट का वेट हमें पता है। क्या करेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों।
एक को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 75 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 37.5 आधा हो गया दोस्तों इसका 37.5 ग्राम दोस्तों, इतना ही तो पूछा। हाउ मच मेडिकेशन शुड यू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट, कितनी दोगे दोस्तों, 37.5 ग्राम मेडिकेशन पेशेंट को हम देखें देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।